बहुत बहुत अच्छे नहीं दोनों पहलवान बहुत ही अच्छे ढंग से इस कुश्ती को लड़ते हुए हमारे सोनू पहलवान गोरखपुर और अमित पहलवान मऊ के बीच में भीषण मुकाबला और बहुत बहुत ही अच्छे आइए पहलवान बीच में सभी छोटे बच्चों से निवेदन है कि आगे से थोड़ा पीछे हटे चोट लग सकती है। हमारे दिलीप भैया जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके द्वारा इस कुश्ती को और ग्रामीण जनता के सहयोग से इस कुश्ती को कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छी कुश्ती जिसमें हमारे सोनू पहलवान गोरखपुर और अमित पहलवान मऊ के रहने वाले हैं। बहुत ही दम बचाए हैं दोनों आदमी। बहुत अच्छी कुश्ती। वाह अमित पहलवान मऊ दोनों पहलवानों को जो समय दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए इस कुश्ती को अच्छे से अच्छे नहीं हुआ है। हमारे सोनू पहलवान गोरखपुर अमित पहलवान मऊ दोनों के बीच में भीषण विराट कुश्ती जिसके बीच में देखिए किस तरह दोनों पहलवान आमने सामने पार पहलवान दोनों अपने अपने दाव आजमाइश करते हुए अपने अपने बल का प्रयोग करते हुए दाव का प्रयोग करते हुए पहलवान और इस कुश्ती का पहला ही कुश्ती बहुत ही रोमांचकारी दोनों आगे पहलवान बीच में आई बहुत ही अच्छी ढंग से इस कुश्ती का आयोजन हमारे बाबा आलोक खजराज श्री रामचंद्र दास जी के द्वारा और दोनों पहलवान ठीक है। हमारे पहलवान सोनू कुमार उत्तर प्रदेश और अमित पहलवान मऊ का रहने वाले हैं। दोनों के बीच में इस कुश्ती का बहुत ही सटीक दाव जो कि देखिए वाह एक पर एक दाव जो वाह ना नहीं हुआ बहुत ही अच्छी कुश्ती हमारे दोनों पहलवान कोई किसी से कम नहीं लग रहा है। बहुत हमारे इस कुश्ती का आयोजन 3 दिवसीय जग समाप्ति पर हमारे 1008 श्री बाबा रामेश्वर दास जी द्वारा और ग्रामीण जनता के सहयोग से इस कुश्ती को कराया जा रहा है। हाँ सभी ग्रामीण जनता और हमारे बाबा के सहयोग से इस कुश्ती का आयोजन कराया जा रहा है जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं और इस कुश्ती को देखना नहीं भूले। अमित कुमार मऊ और सोनू कुमार गोरखपुर के बीच में मुकाबला बहुत ही अच्छी कुश्ती आज बार सभी छोटे बच्चों से निवेदन है कि वो आगे से हट जाए महिलाओं को देखने के लिए जगह छोड़े चोट लग जाएगा बाबू अभी वो बाहर नहीं गिर रहे। आज का इस कुश्ती का आयोजक हमारे बाबा रामेश्वर दास और शंकरपुर
के समस्त ग्रामीण जनता के सहयोग से इस कुश्ती को कराया जा रहा है। इसके अभी हमारे सोनू गोरखपुर और अभी गोरखपुर के बीच में इस कुश्ती का हमारे उमा शंकर पहलवान आ चुके हैं अखाड़े